24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आज हमीरपुर जिले नगर मौदहा में स्थित कांग्रेस कार्यालय में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान व प्रदेश प्रभारी शूरवीर सिंह व बुंदेलखंड प्रभारी आकाश त्रिवेदी का आगमन हुआ, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया और माल्यार्पण किया। भाजपा सरकार के द्वारा स्टूडेंट शिक्षा का निजीकरण का लगातार प्रदेश में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किया गया। भाजपा सरकार की नीतियां देश की शिक्षा को खत्म करने की ओर है और देश के सभी युवाओं को बेरोजगार, भुखमरी और अशिक्षित बनाने की योजनाएं हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। अगर मोदी सरकार ने शिक्षा निजीकरण खत्म नहीं किया तो आने वाले वक्त में संसद घेराव किया जाएगा और विद्यार्थियों के सम्मान के लिए, उच्च शिक्षा के लिए NSUI हरदम जमीनी स्तर में लड़ाई लड़ेगा। वहीं NSUI जिलाध्यक्ष अब्दुल सत्तार ने कहा, जिले में अगर किसी भी कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव या उनकी सुविधा में कोई असुविधा हुई तो हम विद्यार्थियों के साथ खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं सलीम अहमद मजदूर प्रदेश महासचिव राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने कहा, कांग्रेस के सभी फ्रंटल सभी प्रकोष्ठ में जिस कार्यकर्ता को कोई समस्या पैदा होती है हम उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान से उनके स्वाभिमान अभिमान की रक्षा करेंगे। और लगातार कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर में किसान, विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, महिलाएं, दलित, मुस्लिम के ऊपर हो रहे उत्पीड़न का विरोध सड़कों में प्रियंका गांधी कर रही है और एक कांग्रेसी पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर उनको इंसाफ दिलाएगा। वहीं 11 नवंबर को देश के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की माल्यार्पण करके जयंती मनाई गई। आज के दिन शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं अब्दुल कलाम आजाद के जीवनी के बारे में सभी ने अपने विचार रखे और आज प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी के द्वारा कई लोगों ने NSUI में सदस्यता ली, जिसमें जल चक्रवर्ती आरिफ खान, गुफरान खान, आसिफ खान, इरफान खान, सूफी इरफान खान, सावेज खान और आज इस प्रोग्राम में शामिल रहे। वहीं इमामुद्दीन इदुदी, पहलवान जगदीश्वर प्रजापति, कमलेश कुमार शिवास, अवधेश कुमार चक्रवर्ती, शिवमंगल अनुरागी, इस्लामुद्दीन सभासद, नगर अध्यक्ष छोटे खान, गुलाम खान समेत लोग मौजूद रहे। जी सर, आज आपका क्या उद्देश्य रहा? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भाजपा सरकार में पिछले कई सालों से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। विकास के नाम पर सिर्फ शौचालय बनवाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा का मंदिर, इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय कहीं भी नहीं। सर, आज हमीरपुर आपका दौरा था, क्या उद्देश्य था? नमस्कार साथियों, आज इस प्रेस वार्ता में और जिला हमीरपुर के साथी जो आज यहां एकत्र हुए एक महाअभियान को लेकर जिसका नाम है शिक्षा बचाओ देश बचाओ। इस अभियान में NSUI पूरे भारत देश में हर प्रदेश में इसी तरीके से 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक प्रेस वार्ताएं करेगी और साथ ही में उन मुद्दों को ज्वलंत करने का काम करेगी जो सच में आज नौजवान छात्रों, आज प्रदेश अध्यक्ष जी अनस रहमान जी, प्रदेश प्रभारी जी का आगमन हुआ हमीरपुर जिले में शिक्षा बचाओ देश बचाओ के माध्यम से। तो उसका हमने प्रोग्राम रखा और हमारा अगला प्रोग्राम ये रहेगा कि ये इन बिंदुओं के माध्यम से हर स्टूडेंट को, जितने भी छात्र छात्राएं, सबको ये बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कैसा खिलवाड़ कर रही है, झूठे वादे कर रही है, उनको गड्ढे में डालने का भी काम कर रही है। इसी माध्यम से ये प्रोग्राम हुआ। जय। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।